So this is Leah from Tripovin, and let me tell you one thing, this Leah is the cheapest offering from Tripovin's factory. Yes, यहाँ पर जो Leah है अब बजट सेगमेंट में Tripovin ने एंट्री की है, बिकॉज इनके जितने भी पहले इन्हें मोटर्स आते थे उनका प्राइस पॉइंट जो होता था अच्छा खासा होता था, आई मीन अबव ऑलमोस्ट 3,500 या 4,000 से ऊपर स्टार्टिंग होती थी वहाँ से, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो उसका प्राइस पॉइंट है गाइज, ये है ऑलमोस्ट 2,200 का, जिसको कि आप conceptcar.com से या फिर जो अदर वेबसाइट्स है वहाँ से परचेज कर सकते हैं अगर वहाँ पे अवेलेबिलिटी हो। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि Leah जो है फ्रॉम Tripovin's फैक्ट्री, दीज आर टोटली हाइप्ड। तो हम ये भी देखेंगे इस पूरी वीडियो में कि सही में क्या इनका एक हाइप बना हुआ है, वेदर इज इट अ गुड और मॉडेस्ट परचेज फॉर योर नेक्स्ट अपग्रेड, और क्या ये अगर आप फ्रेश बाय करना चाहते हैं सो इज इट अ गुड परचेज फॉर योर फ्रेश बाय। सो इन दिस होल वीडियो वी विल गेट टू नो ऑल अबाउट द टेक्निकलिटीज ऑफ Leah and whether you should purchase these or not. So please be with me till the end of this video. We'll get to know everything about Leah. Then I think these are the cheapest, जैसे मैंने बताया, in-ear monitor from Tripovin. तो यहाँ पे 2,200 रुपये के सेगमेंट पे एंट्री की है, और यहाँ पे जो from $20 to $30 का जो प्राइस सेगमेंट है वहाँ पे बहुत ही एक थ्रोट कट कॉम्पिटिशन है बहुत सारे in-ear monitors का। तो यहाँ पे मेरे को लगता है Tripovin ने कहीं ना कहीं ये चीज़ सोची कि हमें भी यार एक ऐसा in-ear monitor लॉन्च करना चाहिए जो कि बजट सेगमेंट को टारगेट करता है। सो लेट्स टॉक अबाउट पैकेजिंग। पैकेजिंग इज रियली सिंपल, आई रियली लाइक द मिनिमल पैकेजिंग। यहाँ पे सिर्फ एक ब्लैक कलर का बॉक्स है, बट देर इज नो लेड ऑन द टॉप ऑफ द बॉक्स। आपको ये एक पॉलीथीन की सील पैकिंग में मिलता है, एंड देन यू हैव द ट्रांसपेरेंट केसिंग हियर। जब इसको ओपन करते हैं देन यू विल हैव फ्यू थिंग्स इनसाइड इट, लाइक आपको मिलती हैं ईयर टिप्स, लेकिन पहले बताता हूँ ईयर टिप्स के बारे में। ईयर टिप्स आर टोटली वर्थलेस जो आपको इसके साथ मिलती हैं, ठीक है ना। तो इट इज़ बेटर कि आप एक अच्छी ईयर टिप परचेस करें। इट इज़ बेटर कि अगर आपके पास कोई इन-ईयर मोटर्स की पहले से अच्छी ईयर टिप्स रखे तो आप उनको इसमें Leah में यूज़ कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द केबल। केबल क्वालिटी इज रियली गुड। केबल देखने में मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, बिकॉज दिस इज OFC, दैट इज ऑक्सीजन फ्री कॉपर। और सेकंड में यहाँ पे आपको सिल्वर प्लेटिंग मिलती है केबल में, जो देखने से ही लगता है, बिकॉज द केबल इज रियली शाइनी, लुक्स रियली अप मार्केट, लुक्स रियली फैंसी। तो यहाँ पे 2,200 का प्राइस पॉइंट तो पूरा मेरे को दिखता है। यहाँ पे केबल का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। एक एंड पे आपको मिलता है 3.5 mm का गोल्ड प्लेटेड सिंगल एंडेड TRS कनेक्टर, बिकॉज दिस केबल डजंट इक्विप्ड विद द माइक। और दूसरे एंड पे आपको मिलता है 0.78 mm का 2-pin कनेक्टर, ठीक है, जो इंटरफेस जिसको हम कहते हैं, जो आप ईयर कप से कनेक्ट करते हैं। 1.2 मीटर की ये केबल है। बट एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे यही बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो इंटरफेस है, यहाँ पे 2-pin कनेक्टर है, वहाँ से केबल में कोई भी ओवर द ईयर हुक डिज़ाइन नहीं दिया गया। ये स्ट्रेट काइंड ऑफ केबल है जो कि बेस्ट सूटेड होती है जो बुलेट डिज़ाइन के इन-ईयर मॉनिटर्स या ईयरफोन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल योर फाइनल 500 हो गया, योर माउंट ऑफ क्वार्क्स हो गए, या फिर आपका टेंशन तानिया हो गया, या फिर TRN M10। लेकिन यहाँ पे आपको केबल के साथ ओवर द ईयर हुक मिलते हैं रबर के। लेकिन ट्रस्ट मी वन थिंग कि वो ईयर द हुक जो आपको मिले हैं रबर के, दैट इज़ टोटली वर्थलेस। वो टोटली केबल से कभी कभी डिटैच हो जाते हैं, कभी स्ट्रेट नहीं रहते हैं, तो मैंने तो उनको अलग ही कर दिया। सो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं कि केबल को आप फिजिकली ओवर द ईयर अपने रैप कर सकते हैं। केबल मेरे को काफ़ी सही लगी जैसे मैंने बताया, बट मेरे को क्या अच्छा नहीं लगा वो मैं आपको बताता हूँ। केबल इज़ क्वाइट स्टिकी इन नेचर। जब ये टैंगल हो जाती है, लिटरली टैंगल होने के बाद इसको सुलझाना काफ़ी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है बिकॉज ऑफ द स्टिकी नेचर। और केबल में जो फॉल है वो भी बहुत फ्री फॉल नहीं है, केबल थोड़ी रिजिड है मेरे को लगती है, इट्स नॉट दैट मच फ्लेक्सिबल। एंड लेट्स टॉक अबाउट द ईयर कप्स। तो यहाँ पे हम ईयर कप्स की बात करेंगे Leah की। तो ईयर कप्स जो है यहाँ पे टोटली मेड अप ऑफ मेटल, जैसे कि आप देख सकते हैं, दीज आर क्वाइट हैवी ऑल्सो। तो कभी ना कभी आपको फिटिंग में हल्का फुल्का इशू आता है जस्ट बिकॉज द हैवीनेस ऑफ दीज ईयर कप्स। ईयर कप का जो डिज़ाइन है लुक्स वेरी सिंपल, लुक्स वेरी एलिगेंट, और यहाँ पे कोई भी फैंसी और आपको शाइनिंग पार्ट नहीं मिलेगा ईयर कप्स के ऊपर। तो यहाँ पे ईयर कप्स अपने में हाउस करते हैं 10 mm का डायनेमिक ड्राइवर, जिसमें जो डायफ्राम यूज़ हुआ है वो हुआ LCP, दैट इज़ अ लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर। तो लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर जो डायफ्राम होते हैं दे आर बेसिकली मेड इन द जापान मोस्ट ऑफ देम। और यहाँ पे जो सरफेस टेंशन होता है LCPs का वो थोड़ा टाइट होता है, यानी कि टाइटर सरफेस टेंशन होने की वजह से जो एकूस्टिक रिस्पॉन्स होता है वो थोड़ा ज़्यादा फास्ट होता है, एंड दैट इज़ अ रियली गुड थिंग। और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द Tripovin उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पे इनने एकूस्टिक ट्यूब की जगह पे यूज़ किया एकूस्टिक चैम्बर, दैट इज़ दे रीडिज़ाइन द इनसाइड चैम्बर ऑफ दीज इन ईयर मॉनिटर। तो यहाँ पे जो भी ईयर कप्स यूज़ हुए हैं, जो इनके हाउसिंग यूज़ हुए उसमें एकूस्टिक चैम्बर यूज़ हुआ है, एंड बिकॉज ऑफ दैट एकूस्टिक चैम्बर दीज ईयर मॉनिटर्स प्रोवाइड यू अ बेटर यू नो परसेप्शन ऑफ डेप्थ, और साथ में एक आपको बेटर साउंड स्टेज मिलेगा इन ईयर मॉनिटर्स में, दैट इज़ इन द Leah। तो यहाँ पे आपको 20 to 20 kHz का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मिलता है, एंड यू हैव द 32 ohms का यहाँ पे इंपेडेंस मिलता है, देन यू हैव द सेंसिटिविटी ऑफ 105 dB। वहीं पे अगर मैं CRA को कंपेयर करता हूँ इनसे, तो वहाँ पे आपको 34 ohms का इंपेडेंस मिलता है, देन यू हैव द 20 टू 40 kHz ऑफ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, और वहाँ पे 105 dB की आपको सेंसिटिविटी मिलती है जस्ट लाइक द Leah। तो यहाँ पे जो इनका साउंड सिग्नेचर है, पहले मैं आपको बता दूँ, दीज आर लिटिल बिट वार्म इन नेचर। तो इनका जो साउंड सिग्नेचर है, इनका जो साउंड करेक्टर है वो थोड़ा वार्म है।
और यहाँ पे अगर मैं सब बेस की बात करता हूँ तो सैडली यू विल मिस द 40 हर्ट्ज रंबल इन दिस इन ईयर मॉनिटर, दैट इज इन द लिया, क्योंकि जो आपका 20 टू 60 हर्ट्ज का जो एक सब बेस का रीजन होता है वहाँ पे 40 हर्ट्ज पे जो रंबल मिलता है वो आप मिस करेंगे लिया में, बिकॉज दीज आर नॉट बेसी इन ईयर मॉनिटर्स, ठीक है। तो सब बेस रीजन का एक वीकर पॉइंट है एंड जो उसमें टोटल जो टोनालिटी है सारी फ्रिक्वेंसीज में वो थोड़ी एक लीनियर चलती है, तो यहाँ पे आपको इसमें सब बेस रीजन उतना अच्छा नहीं मिलेगा। और अगर आपको सब बेस रीजन के अगर आप फैन हैं तो देन यू विल श्योरली कंसीडर सी सी ए सी आर ए। तो यहाँ पर अगर मैं वोकल्स की बात करता हूँ तो अगर जो इनका बेस रीजन और मिड रीजन है, ठीक है, वहाँ पर आपको एक जो फीमेल वोकल्स एंड मेल वोकल्स हैं उनकी टोनालिटी काफ़ी एक बैलेंस मिलती है and there is no any artifacts that I found in the mid section and in the bass section in terms of sound separation, in terms of instrument separation and in terms of vocals of male and female. तो वहाँ पर मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, बिकॉज यहाँ पर जो आपका लिया है यहाँ पर जो वोकल्स है ना दीज आर लिटिल बिट फॉरवर्ड। तो आप किसी भी अगर इसको आई एम से कंपेयर करेंगे, एयरफोन से कंपेयर करेंगे, तो वहाँ आपको लगेगा हाँ लिया में जो थोड़े वोकल्स हैं लिटिल बिट फॉरवर्ड है। देन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे आपका 3 किलोहर्ट्ज़ टू 8 किलोहर्ट्ज़ रीजन की, जो कि हमारा अपर मिड्स होता है, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द हार्शनेस होती है, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द फिटिंगनेस होती है, वहाँ पे लिया बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। आपको कोई भी इसमें हाई पीक नहीं मिलेगी इवन एट द हाई वॉल्यूम्स, सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट लिया। वॉट आई डिडेंट लाइक अबाउट लियाज आर इन द हाई रीजन, बिकॉज ये हाई रीजन में थोड़े बहुत रेसिस्ड हैं, वहाँ पे आपको एक जो सेपरेशन मिलना चाहिए हाइज में, ठीक है, जो सिंबल्स का और अदर इंस्ट्रूमेंट का, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये लैक करता है। तो वहाँ पे जो हाइज का पार्ट है अबव 8 किलोहर्ट्ज़ उससे थोड़ा बहुत मैं डिसअपॉइंट हुआ, बट यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल टोनैलिटी की बात करता हूँ इन लियाज की, तो आप इसको ये मत समझिए कि यार यहाँ पे ये दीज आर नॉट वर्थ द मनी, बिकॉज लिया हैज़ इट्स ओन साउंड करेक्टर, यहाँ पे इनका अपना एक साउंड करेक्टर है, ठीक है, दीज आर लिटिल बिट वार्म, ये एक वार्म इन ईयर मॉनिटर्स हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ब्राइटनेस उतनी नहीं मिलेगी, और जिनको वार्म सिग्नेचर पसंद है उनके लिए काफ़ी अच्छे हैं। और द बेस्ट पार्ट इज़ यू कैन यूज़ दीज इन ईयर मॉनिटर्स फॉर योर लॉन्ग लिसनिंग आवर सेशन, तो आपको वहाँ पे कोई फैटिगनेस, कोई भी आपको यू नो हार्शनेस फील नहीं होगी, बट यू विल श्योरली मिस द शाइन एंड द स्पार्कल्स इन द हाइज। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि अगर आपको मूवीज़ के लिए कुछ चाहिए, तो आई फील कि वहाँ पे मूवीज़ के लिए आपको जो लिया है ट्रिप ओवन लिया वो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, बट फॉर द मूवीज़ CRA इज़ वेरी गुड। तो यहाँ पे अगर आपको 2200 के रेंज में मिलता है ट्रिप ओवन लिया, तो यहाँ पे आपके क्या क्या और ऑप्शंस हैं, क्या क्या और ऐसे ऑल्टरनेटिव हैं कि आप उनको चूज़ कर सकते हैं, सो उसका ऑल्टरनेटिव मैं आपको बता सकता हूँ। यहाँ पे है TRN TA1, जो कि काफ़ी एक अच्छा ऑल्टरनेटिव आपके लिए साबित हो सकता है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हाइज बहुत फैटिक नहीं रहती हैं, आपको शार्प हैं, आपको यहाँ पे कोई हार्शनेस नहीं फील होती है TA1 में, काफ़ी अच्छा इन ईयर मॉनिटर है। तो अगर मैं इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव की बात करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास है ब्लॉन BL03S, जहाँ पे एक आपको स्पार्कलिंग हाइज मिलती हैं, आपको यू नो द साउंड स्टेज ऑफ ब्लॉन, यहाँ पे आपको डेप्थ परसेप्शन अच्छा मिलता है इन द केस ऑफ ब्लॉन। बट मेरे को बहुत ज़्यादा दुख इस बात का है कि मैं इनके फुल पोटेंशियल को यूज़ नहीं कर पाया अभी तक, जस्ट बिकॉज मेरे कान में ढंग से फिट नहीं होते। और यहाँ पे जो CRAs हैं, मैं चाहता हूँ कि यार CRAs मेरे को इतने ज़्यादा पसंद है, जैसे जैसे मैं इन ईयर मॉनिटर्स को आगे सुनता जा रहा हूँ और ज़्यादा सुनता जा रहा हूँ ना, तो मेरे को वहाँ पे ये ब्लॉन BL03 और साथ में CRS और ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। तो मेरे को कहीं ना कहीं लगता है मेरी एक विश है कि अगर ये ब्लॉन BL03 एक डिफरेंट बॉडी में लॉन्च होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। ये एक ऐसे इन ईयर मॉनिटर्स होंगे जिसको मैं हमेशा के लिए रख सकता हूँ, साथ में CRS मैं चाहता हूँ कि अगर इसको CCA एक डिफरेंट बॉडी में लॉन्च करे, आई मीन एक प्रीमियम बॉडी में लॉन्च करे, तो बहुत ज़्यादा मजा आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं कंक्लूजन की बात करता हूँ, और अगर आप मुझसे पूछते हैं कि आपको ये परचेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सो इट्स टोटली अप टू यू, बिकॉज साउंड इज सब्जेक्टिव और मैटर करता है कि आप किस टाइप का साउंड सिग्नेचर पसंद करते हैं। अगर आपने पूरा रिव्यू अभी तक देख लिया है सो थैंक यू फॉर दैट, और आपको पता भी लग गया होगा कि यार आपको परचेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ट्रिप ओवन लिया। सो फ्रेंड्स, दिस सम्स अप द होल रिव्यू ऑफ दिस ट्रिप ओवन लिया, एंड अगर आपको लेने से पहले कुछ भी क्वेश्चन करना है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड इफ यू न्यू टू द चैनल अगर सब्सक्राइब करेंगे तो काफी अच्छा लगेगा, एंड यू कैन ऑल्सो प्रेस दैट बेल आइकन फॉर द कंटिन्यूस नोटिफिकेशन। एंड गाइज, आई एम दिनेश, आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।